असम का सिंघम तथा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जैसे उपनामों से प्रचलित आईपीएस आनंद मिश्रा ने आखिर क्यों दिया पुलिस अधीक्षक के पद से इस्तीफा। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू संतोष सक्सेना। यह एक बायोग्राफी और इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी है भारत के एक जवान आईपीएस ऑफिसर की, जो हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने के कारण काफ़ी लंबे समय तक सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि इनके सोशल मीडिया पर भी काफ़ी फैन फॉलोइंग है तथा ये अपने द्वारा किए गए सार्वजनिक सेवाओं के कारण हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। आईपीएस मिश्रा मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के परसौड़ा गांव के निवासी हैं, परंतु इनका जन्म 1989 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके पिता कलकत्ता में इंजीनियर थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई कलकत्ता से ही पूर्ण किए हैं। इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा महज 22 वर्ष की उम्र में ही क्रैक कर ऑल इंडिया रैंक 225 प्राप्त किए तथा 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी बन गए। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद इन्हें असम मेघालय कैडर मिला तथा इन्होंने वहां अपनी सेवा प्रदान की। इन्हें असम में सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में आईपीएस आनंद मिश्रा असम के लखीमपुर जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात थे। उन्हें मणिपुर हिंसा की जांच के लिए विशेष दल में भी एसआईटी में नियुक्त किया गया था, परंतु अब इन्होंने अपना त्याग पत्र असम सरकार के मुख्य सचिव को दे दिया है। इनका कहना है कि वे निर्बाध रूप से सामाजिक कार्यों में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं ताकि वे गांव तथा समाज को विकसित बना सके, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है।